हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम माला फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 21 देखेंगे। एपिसोड 20 के एंड में हमने देखा था डोमीजॉन चैन से कहता है, तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी। चैन कहती है, नहीं मालूम कि आने वाला वक्त कैसा होगा, बस इतना जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे। और वो उसके हाथ पर सर रखती है और डोमीजॉन उसे सहला रहा था। अब वो दोनों बेडरूम में लेटे हुए थे, चैन सो चुकी थी और डोमीजॉन बस यादों में खोया हुआ था। अब वो दोनों बालकनी में खड़े थे। चैन कहती है, कितना साफ आसमान है ना, मैंने इससे पहले इतना साफ आसमान कभी नहीं देखा। अब हम न्यूज देखते हैं, उसमें ये कहता है, अभी अभी नासा ने खबर दी है कि कॉमेट टाइसन जमीन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत से मेटल्स आप लोगों को आसमान में टूटते हुए दिखेंगे। तभी आसमान में बहुत सारे सितारे टूटने लगते है। चैन कहती है, कोई विश मांगते है, और दोनों विश मांग रहे थे। वही नमसम टावर पर सभी लोग इन टूटे हुए सितारों की फोटोज ले रहे थे। तभी अचानक धरती की तरफ कोई चमकती हुई चीज गिरती है और डोमीजॉन का UFO भी जमीन पर आ जाता है। अचानक डोमीजॉन को कुछ एहसास होता है और वो अपने हाथों को देखता है तो वो गायब हो रहे थे। वो चैन को छूने की कोशिश करता है पर नहीं छूता। वो कहता है, चैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। देखो याद रखना, ज्यादा बाहर की चीजें मत खाना, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। चैन ये सुनकर रोने लगती है। डोमीजॉन कहता है, एक्शन सीन ज्यादा मत करना, डुप्लीकेट इस्तेमाल करना और रोमांटिक सीन भी मत करना और लोगों से चिढ़ना मत। कोई कुछ गलत कहे तो इसे इग्नोर करना और प्लीज अकेले बैठकर रोना मत और अकेले खाना भी मत। मॉम डैड उन लोगों को भी परेशान मत करना। चैन उसकी बातें सुनकर बहुत रो रही थी। डोमीजॉन कहता है, मेरा घर तुम्हें यहाँ से नहीं दिखेगा पर मैं तुम्हें देख पाऊंगा हर वक्त, क्योंकि वहाँ से ये दुनिया साफ दिखती है। मैं वापस आने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम रोना मत, और अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो मुझे माफ कर देना, सब भूल जाना। चैन कहती है, ये कैसे हो सकता है, कैसे भुला दूं तुम्हें, और तुमने ये बात सोच भी कैसे ली मैं तुम्हें भुला दूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चुप क्यों खड़े हो, जवाब दो मुझे डोमीजॉन। और वो पलटती है तो डोमीजॉन वहाँ नहीं होता। वो कहती है, देखो ऐसा मजाक मत करो, कहाँ चले गए तुम, तुमने सिर्फ अपनी बात कही है, मेरी तो सुनी नहीं, ऐसे नहीं जा सकते तुम, मैंने गुड बाय भी नहीं कहा तुम्हें, देखो बहुत हो गया, वापस आ जाओ अब। और वो जोर जोर से रोने लगती है। वही डोमीजॉन की पूरी बॉडी गायब हो जाती है और वो इस दुनिया से चला जाता है। अब अगले दिन डायरेक्टर वो बहुत सारा सामान लेकर उन्हीं को मिलने आता है। वो लोग घर आते हैं, उन्हीं कहती है, मुझे अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बेटी की जरूरत है, अब आप मुझे बहला नहीं सकते। और वो दरवाजा बंद करने चाहती है। वो कहता है, आप मेरी कही हुई बातों को भूल जाइए, आप नहीं चाहती कि चैन वापस वही जगह आ गए जहाँ वो थी और उसे उसकी शोहरत वापस मिल जाए। उन्हीं कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ, तुम जानते हो डोमीजॉन के जाने की वजह से चैन बहुत टूट गई है, 2 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं है, बात भी नहीं करती कोई, मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है, डोमीजॉन के घर से बाहर ही नहीं निकल रही है वो। अब घर में चैन पानी लेने के लिए कप लेती है, तभी डोमीजॉन कप लेता है और कहता है, मेरी चीजों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी तुम किसी चीज को छूती हो तो वो टूट जाती है। चैन कहती है, ठीक कह रहे हो, और वो पानी पीने लगती है। और जब वो वापस देखती है तो डोमीजॉन वहाँ नहीं होता और उसके कप में भी पानी नहीं होता। अब कोर्ट में ऊपा की कार्रवाई हो रही थी। ये कहता है, मार्च 2006 को इन्होंने डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी बीवी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उन्हें 7 साल तक वहाँ कैद करके रखा और मेंटली टॉर्चर किया और फोन करके डराते रहे कि अगर उन्होंने किसी को भी बताया तो ये उनकी जान ले लेंगे। दिसंबर 2014 न्यू ईयर की रात को इन्होंने इनकी मॉडल यूरा, जो कि इनकी गर्लफ्रेंड भी थी, उनका मर्डर करवा दिया और अब ये इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। पर हमने इनकी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से सब उगलवा लिया है, इन्होंने खून उसी के हाथों करवाया था, मैं चाहता हूँ इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज कहता है, आप कुछ कहना चाहते है इस बारे में? उपा का वकील खड़े होकर कहता है, कुछ नहीं कहना मुझे। जज कहता है, अदालत उपा को गुनहगार मानते हुए उम्र कैद की सजा देती है। बाद में उपा उसके डैड के साथ बैठा हुआ था, ये कहता है, आपने ये क्या किया मेरे साथ, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, सब झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा, एक काम करिए लियो को यहाँ से भेज दीजिए, हम बताएंगे कि वो भाग गया। ये कहता है, तुम्हें कुछ बताना था, तुम इसी लायक हो कि अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में बिताओ, कोई नाता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ, सजा मिलेगी तुम्हें। उपा कहता है, पर मैंने अपनी कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया, दिन रात मेहनत की। ये कहता है, तुमने जो कुछ किया अपने मतलब के लिए किया, कंपनी को फायदा देने के लिए नहीं, तुम्हारी ये शोहरत मेरी वजह से ही थी। उपा कहता है, आप जो कुछ कर रहे हो ये ठीक नहीं है। ये कहता है, लियो ने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की मगर मैं नहीं माना, तुम्हारी माँ ने भी मुझे बहुत बार कहा पर मैंने उसे भी चुप करा दिया क्योंकि मुझे तुम पर बहुत भरोसा था और वही गलती थी मेरी, तुमने अपने ही भाई को मार दिया। और वो रोने लगता है। उपा कहता है, ये सब आपको लियो ने कहा, वो झूठ कह रहा है, भड़का रहा है मेरे खिलाफ, उसकी नजर सारी दौलत पर है। ये कहता है, बंद करो अब ये ड्रामा, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। उपा कहता है, जो कुछ आपके लिए मैंने
किया वो सब भूल गया। गार्ड आकर उसे ले जाने लगते हैं। उपा कहता है मैं आपके बिना भी सब कर सकता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। घर पर चैन डोमिजन और उसकी फोटोज देख रही थी और वो बहुत उदास हो जाती है। तभी डोरबेल बजती है, वहाँ लियो आया था। वो कहता है क्या हुआ, कहाँ गया डोमिजन, तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर आखिर क्यों गया वो। चैन कहती है ऐसा नहीं है, वो जो कुछ मेरे लिए कर सकता था उसने किया, आज उसी की वजह से जिंदा हूँ मैं। इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकी, यहाँ तक कि जब वो जा रहा था तो मैं उसे बाय भी नहीं कह सकी, पर मुझे लगता है वो जरूर मेरे पास आएगा। लियो कहता है अच्छा पहले कुछ खा लो, वैसे भी उसने मुझसे एक फेवर मांगी थी। हम देखते हैं जाने से पहले डोमिजन ने लियो को कहा था तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारा दिल साफ है, तुम चैन के लिए कुछ भी कर सकते हो, दिल से ख्याल रखते हो तुम उसका। एक बात पूछूं, लियो कहता है पूछो। डोमिजन कहता है उसका ख्याल रखोगे ना। लियो कहता है तुम अगर नहीं भी कहोगे तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। ये सुनकर चैन कहती है उसने ये कहा था। लियो कहता है हाँ, अब कुछ खा लो। अचानक चैन उठकर डोमिजन के पौधों को देखने लगती है और कहती है वो वहाँ पर जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसे, देखो नए पत्ते आ गए हैं। लियो कहता है तुम क्या कह रही हो। चैन कहती है तुम्हें नहीं समझेगा। अब चैन के घर पर युग डोमिजन का टेलीस्कोप साफ कर रहा था। चैन कहती है ये क्या कर रहे हो तुम। युग कहता है ये मुझे डोमिजन ने दे दिया है। हम देखते हैं डोमिजन युग को कहता है मैं जा रहा हूँ, देखो मुझे आने में वक्त लगेगा, तब तक चैन का ख्याल रखना। और वो युग को उसके बदले दोनों टेलीस्कोप दे देता है। चैन कहती है अच्छा, जाने से पहले उसने हर चीज बांट दी है। अब सीमी शूट पर थी, तभी ये डायरेक्टर को कहता है चैन फोन नहीं उठा रही है। डायरेक्टर कहता है ठीक है, अगर वो नहीं आ रही है तो किसी और को कास्ट कर लो, मुझे परवाह नहीं उसकी। तभी सीमी आकर पूछती है कि आप चैन को निकाल रहे हैं, मैंने सुना काफी डायरेक्टर्स ने उसके साथ मीटिंग की है, वो दोबारा काम करने वाली है और लोग भी उसे वापस देखना चाहते हैं। वैसे तो मैं भी उसे पसंद नहीं करती थी पर वो एक्टिंग अच्छी करती है, अगर आप उसे निकाल रहे हो तो मुझे भी निकाल दीजिए, मेरे बगैर भी मूवी बहुत चलेगी। डायरेक्टर कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गई, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। सिमी कहती है नहीं बस हम दोस्त हैं। अब घर पर चैन क्योंग के साथ बैठी थी और वो बहुत हंसने लगती है और कहती है डोमिजन भी तुम्हारी तरह ही मजाक करता था, तुम बताओ ना मुझे उसके बारे में। क्योंग कहती है मैं क्या बताऊँ, वो तो तुम्हारे साथ रहता था। चैन कहती है उसकी बातें करो ना, याद आ रही है मुझे उसकी, और वो रोने लगती है। तभी बेल बजती है, सिमी आती है, वो चैन को देखकर कहती है क्या हुआ इसे। क्योंग कहती है डोमिजन की वजह से। सिमी कहती है सुनो चैन, डायरेक्टर ने कहा है वो तुम्हें निकाल देंगे, ये लो ये तुम्हारा कल का शेड्यूल है, इतना ही कर सकती हूँ मैं। चैन कहती है सिमी डोमिजन से तो तुम भी मिली थी ना, कुछ बताओ मुझे उसके बारे में, कोई ऐसी बात जिसे सुनकर खुशी हो, बस मैं उसे याद करना चाहती हूँ। अब चैन बेडरूम में लेटी थी, वो कहती है डोमिजन बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ। तभी दरवाजा खुलता है, चैन को लगता है डोमिजन आ गया पर वहाँ सिमी थी। सिमी कहती है क्या तुम वाकई वही चैन हो। चैन कहती है ऐसा लग रहा है सदियां बीत गई है उससे मिले हुए, उसकी आवाज सुने बिना जिंदगी कैसे कटेगी। सिमी कहती है तुम सिर्फ उसके बारे में ही सोच रही हो, खुद पर भी बस नहीं है तुम्हारा, पर एक दिन तुम मान लोगी कि यही हकीकत है। फिर वो दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। अब उसे याद रखने के लिए चैन हर वो जगह जाती है जहाँ वो उसके साथ गई थी। वो कहती है मेरे पास्ट को मैं अपने प्रेजेंट में जीऊंगी, उसे बहुत मिस करती हूँ मैं, मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज डोमिजन और उसे मिले पूरे 100 दिन हो गए थे, इसलिए चैन एक रेस्टोरेंट में जाती है और वो अब भी बस डोमिजन का ही इंतजार कर रही थी, पर डोमिजन वहाँ नहीं आता। अचानक कोई उसके सामने आकर बैठ जाता है, चैन उसे देखती है, वो डोमिजन था। डोमिजन उसे देखकर हंसता है और चैन भी उसे देखकर मुस्कुराती है और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बस उसका वहम था, वहाँ कोई नहीं था। अब चैन और मिस्टर जैंग बैठे थे। जैंग कहता है जानती हूँ कुछ दिनों पहले क्या हुआ। हम देखते हैं जैंग पौधों को पानी दे रहे थे, तभी पीछे से डोमिजन की आवाज आती है, पर जैसे ही मिस्टर जैंग उसे छूने जाता है डोमिजन वहाँ से गायब हो जाता है। चैन कहती है इसका मतलब आपको भी ऐसा महसूस होता है, मैं तो घबरा कर डॉक्टर के पास चली गई थी। अब हम ओनी को देखते हैं, वो साफ सफाई कर रही थी। तभी यूक आकर कहता है देखिए मुझे एक नया स्टार मिला है। यूक कहता है दूर से हम इस स्टार्स को देख सकते हैं, इसका मतलब वहाँ भी कोई जिंदगी है, वहाँ भी लोग रहते हैं। यूक कहता है ये काम एस्ट्रोनॉट्स करते हैं जो मैंने किया है। फिर हम देखते हैं बहुत वक्त बीत जाता है। अब सिमी का पोस्टर हट जाता है और चैन उसकी जगह वापस आ जाती है और युग भी बहुत फेमस हो जाता है क्योंकि उसने एक नए स्टार की खोज की थी। और युग की मैनेजर क्योंग है, क्योंग कहती है बस तुम जल्दी से बड़े हो जाओ और फिर मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगी। अब हम चैन को देखते हैं, वो शूट पर थी। तभी लियो वहाँ आता है और वो दोनों
दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। तभी चैन की नजर लोगों की तरफ जाती है। उसे वहाँ डोमिजन खड़ा हुआ दिखता है। वो तुरंत वहाँ भाग कर जाती है और डोमिजन को आवाज देने लगती है। लियो उसे गले लगाता है और चैन बहुत रोती है। घर पर चैन मेकअप करवा रही थी, तभी ओनी और उसके डैड आते हैं। ओनी कहती है, तुम सेट पर रोने क्यों लगी थी? उसका डैड कहता है, सब ठीक तो है ना? चैन कहती है, डैड मुझे वो याद आ रहा है। और वो रोने लगती है और कहती है, बात करनी है मुझे उससे। और वो बहुत रोती है। अब हम एक अवार्ड फंक्शन देखते हैं। सारे सेलिब्रिटीज एक एक करके आ रहे थे। तभी वहाँ चैन आती है और उसे देखकर सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो सबको हेलो कहते हुए रेड कार्पेट पर से ऊपर जाती है और फोटो खिंचवाने खड़ी होती है। तभी अचानक से वक्त रुक जाता है और सब स्टैचू बन जाते हैं। चैन उन लोगों को देखकर शॉक हो जाती है। तभी सबके पीछे से डोमिजन वहाँ आता है। चैन उसे देखकर आगे बढ़ती है। डोमिजन उसके पास आता है और उसे अपना कोट निकालकर पहनाता है और कहता है, तुमसे कहा था ना ऐसे कपड़े मत पहनना, मेरी बात नहीं मानी ना तुमने। चैन रो रही थी। वो उसके चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है, डोमिजन। डोमिजन कहता है, हाँ मैं ही हूँ। और उसके आंसू पोंछता है। चैन उसे गले लगाती है। डोमिजन कहता है, क्या मैंने आने में बहुत देर कर दी? चैन उसकी तरफ देखती है और डोमिजन उसे किस कर लेता है। तभी वक्त वापस शुरू हो जाता है और सारे लोग उन लोगों को देख लेते हैं और उनकी फोटोज खींचने लगते हैं। डोमिजन कहता है, मेरा वापस आना सही था या नहीं ये बताना बहुत मुश्किल है। चैन कहती है, ये आया जरूर था मगर बहुत जल्दी चले गया था। चैन आंखें खोलती है और देखती है डोमिजन वहाँ नहीं है। वो उसे ढूंढने लगती है पर वो कहीं नहीं दिखता। अब डोमिजन बताता है, जब मैं यहाँ से वापस गया तो मैं कहीं और ही पहुँच गया था। उस जगह को वॉर्म होल कहते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की और बहुत कुछ किया मैंने वापस आने के लिए। मेरी दुनिया में मेरा दिल नहीं लगता पर क्या करूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। इतनी कोशिश के बाद भी मैं यहाँ कुछ ही पल गुजार सकता हूँ। उस दिन उस होटल में मैं ही आया था, वो मेरी पहली कोशिश थी। चैन कहती है, इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था, तुम हमेशा से मेरे साथ ही थे। डोमिजन कहता है, दूसरी कोशिश में मैं कुछ कह पाया था जब वो मिस्टर जैंग से मिला था तब, पर वहाँ चैन नहीं थी। फिर डोमिजन कहता है, अब मैं कभी कभार आ सकता हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। चैन कहती है, पर अब ये मेरे साथ है और मैं इसे इतना जल्दी नहीं जाने दूंगी। अब वो दोनों चेयर पर लेटे हुए थे। चैन डोमिजन को कहती है, अब और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, पर तब तक डोमिजन जा चुका था। चैन आसमान की तरफ देखकर हंसती है और यही माय लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का लास्ट एपिसोड एंड होता है। ये सीरीज वाकई में रोमांटिक कॉमेडी और बहुत मजेदार है। मुझे जितना मजा इस सीरीज को समझाने में आया है, उम्मीद है उससे ज्यादा मजा आप लोगों को इस सीरीज को देखने में आया होगा। जैसे आप लोगों ने मेरे इस ड्रामे को बहुत सपोर्ट किया और ढेर सारा प्यार दिया, मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे दूसरे ड्रामास को भी ऐसे ही सपोर्ट करें और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और इस जर्नी का हिस्सा बनिए। और लास्ट, जैसे कि मैं मेरे हर वीडियो में कहती हूँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे अमेजिंग ड्रामा में।